हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आइसोमेरिज्म चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में मेरा एजेंडा क्या है ये मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, तो चैप्टर है आइसोमेरिज्म। लंबा चैप्टर है ना, काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, लेकिन हाँ, अगर आप इतना मुझे विश्वास है कि अगर आप पूरे लेक्चर्स के थ्रू बहुत डिटेल में जाएंगे नोट्स बनाते हुए, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा किसी भी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म में मेरा एजेंडा क्या है, ठीक है, क्या क्या टारगेट है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरह के कार्बन होते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे, हाइड्रोजन कितने होते हैं। ठीक है, इस पे बातचीत करेंगे, टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन वगैरह पे बातचीत होगी। ये भी सीखेंगे हाउ टू राइट, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे लिखा जाए। तीसरी चीज है ना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पे बात होगी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वेलेंट पे बात हो जाएगी। फिर मैं सिखाऊंगा हाउ टू काउंट आइसोमर्स, काउंट आइसोमर्स। फिर मैं ये सिखाऊंगा कि अक्सर क्वेश्चन आते हैं ना कि इस फॉर्मूले से कितने अल्कोहल पॉसिबल हैं, तो वैसे क्वेश्चंस कैसे किया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, हाउ टू काउंट आइसोमर्स सिखाऊंगा मैं। ठीक है, और इससे पहले यानी फोर्थ में आता हूँ है ना, यहाँ पे मैं एक और चीज ट्रिवियल नेमिंग भी सिखाऊंगा। एक चीज मैं भूल रहा हूँ, यहाँ पे हाउ टू काउंट आइसोमर बाद में आएगा, फिर आ जाएगा ट्रिवियल नेमिंग सिखाऊंगा, ट्रिवियल नेम्स कैसे लिखे जाते हैं, ट्रिवियल नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर इसके बाद आता है कहीं जाके कि हम कैसे आइसोमर्स गिनेंगे, हाउ टू काउंट आइसोमर्स, काउंट आइसोमर्स। फिर मैं ये भी सिखाऊंगा, एक ट्रिक है मेरे पास कि कैसे बिना गिने भी आप बहुत जल्दी गिन सकते हैं, तो अगली चीज ये भी सिखाऊंगा हाउ टू काउंट है ना आइसोमर्स, काउंट आइसोमर्स विदाउट काउंटिंग, विदाउट काउंटिंग, बिना गिने कैसे गिनेंगे, हाउ टू काउंट आइसोमर्स विदाउट काउंटिंग। इसके बाद मैं आपको फिर है ना स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ाऊंगा, सेवन चीज जो है ना स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करेंगे, आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। तो बिल्कुल इसी सीक्वेंस में मैं पढ़ाऊंगा। आठवीं चीज जो मैं पढ़ाऊंगा वो स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन है, जैसे कैसे पता लगाएंगे किसी मॉलिक्यूल में कितने ब्रांचेस हैं, है ना, कहाँ पे अनसेचुरेशन है ना, कहाँ पे तो कितने अनसेचुरेशंस हैं, ये सब चीजें जो है स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में आ जाएगा। इसके बाद मैं आपसे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स से बात करूंगा, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फॉर्मर्स पे बातचीत करूंगा, ये हमारा अगला टॉपिक होगा कन्फॉर्मर्स। 10th टॉपिक जो है हमारा होगा, जो 10th टॉपिक होगा वो हमारा हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और लास्टली हम लोग जो है ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे बात करेंगे। ठीक है, तो इस अब मैं देखने में तो ये बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक लगता है, लेकिन अपने आप में बड़े बड़े ही टॉपिक्स हैं। जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपने आप में बड़ा ही टॉपिक है, चार पांच लेक्चर्स इसमें लग जाएंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसमें भी काफी टाइम लग जाना है। ठीक है, तो लेने के शुरुआत के टॉपिक्स छोटे हो सकता है, आप पहले तीन टॉपिक में इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लो, अगले अगले कुछ कुछ टॉपिक्स जो है वो सेकेंड लेक्चर में हो, लेकिन बाकी आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो लगभग ये हमारा ऑब्जेक्टिव है ना इस चैप्टर में। सबसे पहले मैं टाइप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन बताऊंगा कितने तरह के होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स कितने तरह के होते हैं, फिर केमिकल फॉर्मूला, फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट किसे कहते हैं, ट्रिवियल नेमिंग कैसे की जाती है, कैसे आइसोमर्स काउंट किए जाते हैं, कैसे आइसोमर्स बिना काउंट किए काउंट करेंगे हम, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स किसे कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन करना सिखाऊंगा कि कैसे आइसोमर्स पहचाने जाते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, कितने तरह के कार्बन होते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कार्बन कितने तरह के होते हैं, बहुत सिंपल है, टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन। अगर अगर मैं ऐसे कर लूं ना, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच थ्री,
CH3. अब जैसे ये कार्बन ले लीजिए, ये कार्बन जो है एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, ठीक है, इट इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन. 1 डिग्री कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कार्बन, ठीक है, इसको आप प्राइमरी कार्बन कहेंगे. अगर कोई कार्बन अगल बगल दो कार्बन से जुड़ा हो, जैसे ये, ठीक है, ये कार्बन अगल बगल दो कार्बन से जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, तो मैं इसे 2 डिग्री कार्बन कहूंगा या सेकेंडरी कार्बन कहा जाता है, सेकेंडरी कार्बन कहा जाता है. अगर कभी भी कोई कार्बन आसपास तीन कार्बन से जुड़ा होता है, जैसे ऐसे CH3, CH, CH3, CH3, ठीक है, ऐसे जुड़ा है, तो यहां पर ये वाला जो कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा, ठीक है, 3 डिग्री कार्बन या टर्शरी कार्बन कहेंगे, क्योंकि ये अगल बगल तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, इट इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बन, ठीक है, इसको टर्शरी कार्बन कहते हैं, ठीक है. इसी तरह से हाइड्रोजन्स भी हो जाएंगे, मैं यहां पे लिखता हूं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन. अगर कोई कोई हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है, फॉर इंस्टेंस मैं ऐसे लिखता हूं CH3, CH3 ऐसे, ठीक है, तो याद रखिए अगर ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है तो उससे जुड़े सारे हाइड्रोजन जो है वो भी 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे. तो अगर अगर हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, अच्छा एक चीज और छूट रही है यहां पे, 3 डिग्री के बाद भी कार्बन होते हैं, ठीक है, 3 डिग्री के बाद भी कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन पे आता हूं, एक कार्बन 4 डिग्री भी हो सकता है ना, अगर कार्बन आसपास 4 कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसे कार्बन को हम लोग 4 डिग्री कार्बन या 4 डिग्री कार्बन या है ना क्वार्टिनरी कार्बन भी कहते हैं, क्वार्टिनरी कार्बन भी कहा जाता है. अब ये तो कार्बन की बात हो गई, हाइड्रोजन की बात की जाए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन. तो मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन के टाइप्स जो है, किस टाइप का हाइड्रोजन है, ये इस बात से डिपेंड करता है कि वो किस तरह के कार्बन से जुड़ा हुआ है. जैसे अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन 1 डिग्री होगा, ठीक है, जैसे ये अगर 1 डिग्री कार्बन है तो जाहिर सी बात है ये जो हाइड्रोजन है, दिस ऑल द 3 हाइड्रोजन आर 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन कहे जाएंगे, या इनको मैं प्राइमरी का हाइड्रोजन कह सकता हूं, प्राइमरी हाइड्रोजन कहा जा सकता है. ऐसे ही अगर ऐसा हो जाए CH3, CH2, CH3, ठीक है, यहां ये कार्बन अगर 2 डिग्री है तो इससे जुड़े दोनों हाइड्रोजन ये जो है ये 2 डिग्री हाइड्रोजन कहे जाएंगे, या 2 डिग्री हाइड्रोजन या सेकेंडरी हाइड्रोजन, इन्हें सेकेंडरी हाइड्रोजन कहा जाएगा. अब ऐसे ही इसी तर्ज पे अगर अगर कोई चीज जो है 3 कार्बन से जुड़ी है, जैसे CH है, CH3 है, CH3 है, CH3 है, नाउ ये वाला जो कार्बन है वो 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री से कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन भी जो है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन कहा जाएगा इसे, या टर्शियरी हाइड्रोजन कहा जाएगा. ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्वार्टनरी हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि कभी भी अगर कोई कार्बन 4 डिग्री हो जाता है, अगर कोई भी कार्बन 4 डिग्री हो जाता है तो अपनी सारी वैलेंसीज एग्जॉस्ट कर देता है, तो चूंकि उसकी 4 वैलेंसी चारों कार्बन से जुड़ने में ही चली गई तो हाइड्रोजन उससे जुड़ नहीं सकता, इसलिए हाइड्रोजन जो है वो क्वार्टनरी नहीं होता है. तो यहां पे मैंने टाइप्स ऑफ कार्बन और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आपको बता दिया. अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको और आपको पहचानना होगा कि है ना कौन कौन से कार्बन उसमें है ना 1 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन की डिग्री पहचाननी होगी. तो आइए वो क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या है मेरे पास, तो कार्बन और हाइड्रोजन समझने के बाद आइए इसको पहचानने पे एक क्वेश्चन करते हैं. अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं इस तरह का, क्या क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन एंड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन इन कंपाउंड्स में आप बताना है मुझे, ठीक है ना, कंपाउंड्स. तो
क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है CH3 CH2 CH CH2 NH CH2 C CH3 CH3 CH3। ठीक है, ये मुझे एक क्वेश्चन मिलता है। अब मुझे बताना है कि इसमें कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री कार्बन है, कितने 3 डिग्री कार्बन है, कितने 4 डिग्री कार्बन है, और हाइड्रोजन्स की भी डिग्री बतानी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, है ना, मैं हमारा जो आंसर होगा हम यहां से निकालें, यहां लिखेंगे 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, ये मुझे पता लगाना है। ठीक है, अब 1 डिग्री कार्बन देखा जाए, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री, तो ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, ये 1 डिग्री होगा, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री, ये 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री, ये 1 कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री, ये नाइट्रोजन से जुड़ा है उसको काउंट नहीं करेंगे, एक ही कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री, ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, इधर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री, ये भी एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये 4 डिग्री। तो अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं तो मैं कह सकता हूं 1 डिग्री कार्बन कहां कहां है, 1 2 3 4 5 6 7, मैं कह सकता हूं 1 डिग्री कार्बन 7 है 7 है। 2 डिग्री कार्बन की बात की जाए, 2 डिग्री यहां पे है, 1, ठीक है, सिर्फ एक ही है 2 डिग्री, तो मैं कह सकता हूं 2 डिग्री कार्बन सिर्फ एक है। 3 डिग्री कार्बन की बात की जाए, 3 डिग्री कार्बन एक ये है और कोई नहीं, ठीक है, तो 3 डिग्री कार्बन भी एक है और 4 डिग्री कार्बन भी एक है, ठीक है, 4 डिग्री कार्बन भी एक है। अब हाइड्रोजन की बात की जाए, हाइड्रोजन कैसे पता लगाएं कितने हाइड्रोजन है, तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े जितने हाइड्रोजन होंगे वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, तो यहां पे मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन काउंट कर रहा हूं, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है, तो यहां पे मैं देख सकता हूं कि लगभग 19 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो 1 डिग्री हाइड्रोजन की कैटेगरी में आएंगे। 2 डिग्री कितने हो जाएंगे, 2 डिग्री हो जाएंगे यहां पे, ठीक है, 2 बस 2, ठीक है, 2 हो जाएंगे, और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन सिर्फ एक हो जाएगा यहां पे, 1, ठीक है, तो ये आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन सिर्फ एक हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिग्रीज को कैलकुलेट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन मैंने दिया जिससे क्लियर हो जाता है कि कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन को पहचानते हैं। अब डिग्रीज खाली इन्हीं में यूज नहीं होता, डिग्रीज जो है वो कई फंक्शनल ग्रुप पे भी यूज होते हैं जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि उनको भी हम लोग समझें। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप विच हैव डिग्रीज, या ना फंक्शनल ग्रुप्स हैविंग डिग्रीज। ठीक है, कौन कौन से, तो इस कैटेगरी में कई लोग आते हैं, पहले अल्कोहल ले लीजिए, ठीक है ना, ए अल्कोहल इस कैटेगरी में आता है, अल्कोहल्स के डिग्रीज होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर आपके पास कोई ऐसा अल्कोहल है जो कि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, ये OH ग्रुप अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो आप कह सकते हैं कि ये 1 डिग्री है भी क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो अगर OH ग्रुप एक 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम लोग प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। अगर कभी ऐसा हो जाए CH3CH CH3OH, ठीक है, यहां पर हमारा जो OH ग्रुप है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 2 डिग्री है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे अल्कोहल को हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं या फिर
2 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। अगर मैं ऐसे ही कह दूं CH3, CH, CH3, CH3, कोई कार्बन OH हमारा, अगर OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि 3 डिग्री है, 3 डिग्री है ना, 1, 2, 3, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा OH है, तो ऐसे ऐसे अल्कोहल को हम लोग है ना टर्शियरी अल्कोहल कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, टर्शियरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे डिग्रीज, जो वो फंक्शनल ग्रुप जिनमें डिग्रीज होती है, और इसकी बात चलती है तो अल्कोहल के बाद जो सेकेंड चीज मेरे दिमाग में आएगी वो है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड्स में भी है ना डिग्री यूज किया जाता है और उनका भी डेफिनेशन सेम हो जाएगा। ठीक है, इसी इसी तरीके से है ना अल्काइल हैलाइड्स की भी डिग्रीज तय होती है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंड चीज अल्काइल हैलाइड्स, हैलाइड्स अल्काइल हैलाइड्स की भी डिग्रीज ऐसे ही तय होती है। कैसे, अगर कोई अल्काइल हैलाइड है जो कि ऐसे कार्बन से जुड़ा है हैलाइड ग्रुप जो कि 1 डिग्री है, तो हम इसे है ना प्राइमरी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं, अल्काइल हैलाइड कहा जाता है, या फिर इसको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कह सकते हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड कहा जा सकता है। अगर अगर ये CH3CH CH3X ये हैलाइड ग्रुप अल्काइल हैलाइड का 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कार्बन 2 डिग्री है क्योंकि ये इससे और इससे जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है तो हम लोग ऐसे अल्काइल हैलाइड को है ना सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, और अगर अगर ऐसा ये हैलाइड ग्रुप अगर 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो ऐसे CH3X, ठीक है, ये ऐसे हो गया और ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये CH3 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 तीन तरफ से अगर जुड़ा हुआ है तो मैं कह सकता हूं अगर हैलोजन जो है जिस कार्बन से जुड़ा है वो खुद 3 डिग्री हो, अगर वो खुद 3 डिग्री हो तो ऐसे अल्काइल हैलाइड को हम लोग टर्शियरी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहा जाता है ऐसे लोगों को। ठीक है, तो ये अल्काइल हैलाइड के केस में भी ये डेफिनेशन लगता है। इसके अलावा ये चीज आपकी अमीन्स में भी यूज होती है। ठीक है, तो अगर आप डिग्रीज की बात करिए तो डिग्रीज अमीन्स में भी यूज हो जाती है। कैसे, इसको समझा जाए, लेकिन मैं एक चीज के लिए आपको आगाह करना चाहता हूं कि अमीन्स के लिए जो वर्ड, जो डिग्रीज का क्राइटेरिया है, और अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल्स के लिए जो क्राइटेरिया है, वो दोनों डिफरेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं तीसरी चीज जो बताना चाहता हूं वो है अमीन्स के लिए। अमीन्स, अमीन्स के लिए होता क्या है, अमीन्स के लिए हम ऐसा कुछ लिखते हैं क्या कि अमोनिया है, अमोनिया, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के एक अल्काइल ग्रुप लगा दीजिए, क्या आ जाएगा, RNH2। ठीक है, तो अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटाने पे जो चीज मिलेगी और अल्काइल ग्रुप लगाने में मिलता है उसे हम 1 डिग्री अमीन कहते हैं। 1 डिग्री अमीन में से फिर एक हाइड्रोजन हटा के एक अल्काइल ग्रुप लगा दीजिए, मे बी डैश, RNHR-, तो इसको हम लोग 2 डिग्री अमीन कहते हैं या सेकेंडरी अमीन कहेंगे, सेकेंडरी अमीन कहा जाएगा। इसको हम लोग प्राइमरी अमीन कह सकते हैं, प्राइमरी अमीन कहा जा सकता है। ऐसे ही एक और हाइड्रोजन अगर आप हटा दीजिए और एक अल्काइल ग्रुप लगा दीजिए कुछ ऐसा RNR-R" तो मैं इसको 3 डिग्री अमीन कह सकता हूं या टर्शियरी अमीन कह सकता हूं, टर्शियरी अमीन कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। और जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, अगर इससे इसके साथ एक और अल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा R"" और ये प्लस आ जाएगा, इसको हम लोग क्वार्टनरी अमोनियम आयन कहते हैं, क्वार्टनरी अमोनियम, अमोनियम आयन कहा जाता है, क्वार्टनरी अमोनियम आयन कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें डिग्रीज का जो है उसका कार्बन से मतलब नहीं है। NH2 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा और 2 डिग्री से 3 डिग्री से, लेकिन अगर वो NH2 है 1 डिग्री अमीन होगा। अगर NH ग्रुप है वो कैसे भी जुड़ा हो 2 डिग्री कहेंगे, N ग्रुप है तो कैसे भी जुड़ा होगा हम लोग उसे 3 डिग्री अमीन कहेंगे। ठीक है, तो आइए इतना सीखने के बाद एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने से आपके है ना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। तो आइए जितना अब तक हम लोगों ने काम किया है इस पे एक आध क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूं वो कुछ इस तरह से है कि असाइन द डिग्री ऑफ द अमीन्स, असाइन द डिग्री ऑफ अमीन्स, असाइन द डिग्री ऑफ अमीन्स। तो अमीन्स की डिग्री असाइन करने के लिए मुझसे कहा गया है और यहां पे दो क्वेश्चन है मेरे पास, ए एनएच टू सी 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 एनएच टू एनएच टू, और दूसरा हो जाएगा ये सी 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 एनएच सी सी एन सी सी एनएच टू, ठीक है। और मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखा। अब अगर आप पुराने डेफिनेशन जाइए तो देख के लगता है जैसे NH2 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री अमीन होगा, NH2 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री अमीन होगा, या NH2 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री अमीन होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसा कुछ भी नहीं है, इन सबको आप जहां पे NH2 होगा वो सब 1 डिग्री अमीन्स के रूप में ही क्लासिफाई किए जाएंगे। सो ऑल ऑफ देम आर 1 डिग्री अमीन, कहीं क्योंकि कहीं पे भी डेफिनेशन 1 डिग्री अमीन का अलग है अल्कोहल के डेफिनेशन से। जब भी अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकाल के अल्काइल ग्रुप लगा देंगे उस चीज को हम लोग 1 डिग्री अमीन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहां यहां देख लेते हैं इस क्वेश्चन में, तो मैं साफ देख सकता हूं यहां पे कि यहां NH है, यहां पे NH है, और NH जो है जब भी होता है हम लोग उसको किस तरह क्लासिफाई करते हैं, कहते हैं 2 डिग्री है, ठीक है। कहीं पर अगर N हो जाए तीन तरफ कार्बन है, अगर N है तो हम इसे 3 डिग्री अमीन कहेंगे, और कहीं पर अगर ऐसा हो जाए कि खाली NH2 बच जाता है, ठीक है, NH2 बन जाता है, तो आप जानते हैं जहां कहीं भी NH2 होता है वो 1 डिग्री अमीन हो जाता है, जहां भी NH दो तरफ अगर चीजें होती हैं तो 2 डिग्री अमीन कहते हैं, N के साथ तीनों तरफ अगर चीजें हो जाती है तो 3 डिग्री अमीन कहा जाता है। यहां N के साथ तीनों तरफ से चीजें जुड़ी थी 3 डिग्री, N से दो तरफ कार्बन जुड़ा है 2 डिग्री, और अगर N से एक तरफ कार्बन जुड़ा है तो हम इसको 1 डिग्री अमीन कह सकते हैं, ठीक है, 1 डिग्री अमीन कह सकते हैं। तो हम लोगों ने पहला टॉपिक तो पढ़ लिया कि कितने तरह के हाइड्रोजन होते हैं, कितने तरह के कार्बन होते हैं, और कितने तरह के है ना फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेस्ड ऑन डिग्रीज। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि कैसे फॉर्मूला लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। फॉर्मूले देखे जाए कितने तरह के फॉर्मूले हो जाते हैं, तो टाइप्स ऑफ फॉर्मूले है ना, टाइप्स ऑफ फॉर्मूले इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने तरह के फॉर्मूले होते हैं इसको देखा जाए। तो इस बात का हल्का सा जिक्र मैंने नॉमेनक्लेचर में भी किया था, फिर यहां पे रिपीट कर दे रहा हूं। जब भी आप ऐसे लिखते हैं ना C5H12, तो इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहा जाता है। अगर आप इसको स्प्रेड कर दे या ऐसे लिख दे CHH, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, इसको हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा जा सकता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इन्हीं को कंडेंस कर दीजिए है ना, CH3 CH2 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 CH3, इसको हम लोग कह सकते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्मूला कहा जाता है। और अगर ये और कंडेंस्ड हो जाए, बीच के बॉन्ड्स भी दिखना अगर बंद हो जाए, CH2 को यहां लिखा ऐसे, अब ये बॉन्ड्स भी दिखना बंद हो जाए, और अगर हम लोग फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं कि CH3 CH2 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 CH3, तो इसको हम लोग कहते हैं सुपर कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला कहा जाता है। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, क्या ऐसे, अब इसका क्या मतलब होता है कि हर जो कोना है वो कार्बन है, ये कार्बन है, दिस इज कार्बन, और कार्बन कार्बन के ही बॉन्ड दिखाया गया, तो यानी इस कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया तो इसके पास जरूर चार वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए तीन हाइड्रोजन होंगे, ये अंडरस्टूड है,
या इस कार्बन ने दो बॉन्ड बनाए हैं तो इसके पास दो ही और बॉन्ड बचे होंगे हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा, यहाँ पे तीन होंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे दो होगा, यहाँ दो होगा एच एच, ठीक है, यहाँ दो होगा एच एच, ठीक है, ऐसे यहाँ दो होंगे एच एच। हर कार्बन की वैलेंसी फोर करने के लिए जितने एच की कमी है उतना ही आप मन ही मन लगा देंगे, तो उसको आप जो है ना, आप उस फॉर्मूले को समझ जाएंगे। पर ऐसा एच लगाया नहीं जाता है, इट इज अंडरस्टूड कि वहां पे हाइड्रोजन है। हम सिर्फ कार्बन और उनके बॉन्ड्स दिखाते हैं, हाइड्रोजन नहीं दिखाते। इस तरीके से जो भी फॉर्मूले लिखे जाते हैं उनको हम लोग बोल्ड लाइन नोटेशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं बोल्ड लाइन नोटेशन, बोल्ड लाइन नोटेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूला आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले हो गए। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले लिखते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं जिसमें आपको है ना फॉर्मूले लिखने होंगे, और मैं चाहूंगा कि आप मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखिए अगर मैं बोल्ड लाइन नोटेशन में दूंगा। अक्सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे फेमस जो फॉर्मूला है वो बोल्ड लाइन नोटेशन का है, बिकॉज ड्यू टू इट्स इजीनेस इन ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत आसानी से स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ऐसे लिखने में ये बहुत ही कबरसम है, या ऐसे लिखने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन ऐसे चीजें बड़ी ही है ना आसानी से हो जाती है, इसलिए सबसे फेमस बोर्ड लाइन नोटेशन है। तो मैं अब आपको कुछ कंपाउंड्स बोर्ड लाइन नोटेशन में दे रहा हूं और आपको उनका है ना मॉलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो ये मेरा अगला आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है राइट द क्वेश्चन कहता है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सॉरी राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, क्या कंपाउंड्स हैं देखे जाए तो कुछ कंपाउंड्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये एक फॉर्मूला हो गया सी, ये एक मॉलिक्यूल है, तो ये मैं कंपाउंड मान लीजिए इनको, ठीक है, और इनके इनके फॉर्मूले आपको लिखने हैं, और कुछ जनरल लिख लिए जाए ऐसे, ठीक है। ये आपका हो गया, इसको प्रिज्मेन कहते हैं, ठीक है ना, ये कंपाउंड्स हो गए, और भी एक आध कंपाउंड्स यहाँ पे हो सकते हैं, दीवार बेंजीन हो जाएगा, क्यूबेन, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको जिनका जिनका आपको बोल्ड लाइन नोटेशन में मैंने जो लिखा है, और आपको इनका फॉर्मूला लिखना है, और ये कुछ इस तरह से है, और भी एक आध मेरे पास एग्जांपल्स हैं। तो ये मेरे पास है ना टोटल इतने कंपाउंड्स हैं जिनका हमें फॉर्मूला लिखना है। तो आइए इतने कंपाउंड्स का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं और सीखते हैं, है ना, बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग। अब यहां पे क्या है, आप देख सकते हैं कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो C4 हो जाएगा। H कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, H10, ठीक है। लेकिन अभी आप आगे चल के जब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे इसमें कोई अनसैचुरेशन या रिंग नहीं है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकेंगे। लेकिन अभी मैं हमेशा ऐसा करता हूं कि पहले चाहता हूं कि आप बेसिक से चीजें लर्न करें, और जब आप लर्न कर जाते हैं है ना तब आप उसमें फिर कुछ ट्रिक सीखेंगे, तो आपके लिए वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। यहां कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, C6,
एच कितना है, यहां एक बॉन्ड है तो तीन हाइड्रोजन होंगे, यहां तीन कार्बन के बॉन्ड है एक हाइड्रोजन होगा, यहां पे तीन होंगे, यहां पे तीन हो जाएगा, यहां एक और यहां पे तीन हो जाएगा, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात दूनी 14, ठीक है, तो यह हो जाएगा H14। इसका फॉर्मूला होता है 1 2 3 4 5 6। मैं चाहता हूं कि व्यूवर्स मेरे साथ ही क्वेश्चंस करें, ठीक है, और जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आप बेहतर होते जाते हैं, उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जाएगी। अब यहां पे एक बॉन्ड है तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, ठीक है, तो यहां पे भी फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा C6H14। यहां कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो आप पाएंगे यहां 5 C5, एच कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, फॉर्मूला आ जाएगा C5H12, ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन हो जाएंगे उतने ही, यहां पे क्या आ जाएगा, ये बिल्कुल इसी की तरह है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो छह कार्बन हो गया ना, है ना, 6 और 1 2 3, यहां पे एक हाइड्रोजन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 H14, ठीक है, ऐसे ही यहां क्या हो जाएगा, यहां पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, छह कार्बन है और छह कार्बन है तो ये C6 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 H14 हो जाएगा, ठीक है, H14 हो जाएगा यहां पे। ऐसे ही आप आगे भी देख सकते हैं, यहां पे क्या, यहां कितने कार्बन हो जाएंगे 1 2 3 4, तो मैं लिख सकता हूं C4 और H कितना हो जाएगा 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो H10 हो जाएगा, H10 C4H10। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए, है ना, 1 2 3 4 5 6, इसे हम लिखेंगे C6, H कितना हो जाएगा 1 2 3, है ना, यहां पे चारों कार्बन है 4 डिग्री है, नहीं होगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, तो C6H12 हो जाएगा, सॉरी H12। ऐसे ही यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें तो C4 हो जाएगा, C4 और H कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक यहां पे 10, C4H10 हो जाएगा। यहां कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 C6, H कितना होगा, यहां तीन बॉन्ड है एक हाइड्रोजन, और यहां 1 2 और 3 बॉन्ड है एक हाइड्रोजन, 1 2 और 3 बॉन्ड है एक हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड है एक हाइड्रोजन, 1 2 3 एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, तो यहां पे C6H6 हो जाएगा। इसके बेंजीन का एक प्रपोज्ड स्ट्रक्चर है जिसको दीवार नाम के ब्रिटिश साइंटिस्ट ने, है ना, प्रपोज किया था, इसे दीवार बेंजीन कहते हैं, इट्स कॉल्ड दीवार बेंजीन। ऐसे यहां आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 C7, H कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, H12 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही C7H12 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12, ठीक है, ऐसे ही ये, इसको हम लोग प्रिज्मेन भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहां पे मैंने लाइन को तोड़ दिया है, यानी यहां लाइन जो है वो टूटी हुई है, इसका मतलब ये इसको क्रॉस नहीं कर रहे, यहां पे कार्बन नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6, H कितना हो जाएगा, यहां पे 1 2 3 है, 1H, यहां 1H, 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 1H और 1H, ये C6H6 हो जाएगा। ये भी एक बेंजीन का प्रपोज स्ट्रक्चर है जिसको हम प्रिज्मेन कहते हैं, प्रिज्मेन कहा जाता है। ऐसे ही इसमें आप देख लेंगे, इसका फॉर्मूला आ जाएगा C8H8 और इसको हम लोग क्यूबेन कहते हैं, ठीक है, और ये हमारे नॉर्मल बेंजीन है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है,
इसका नाम भी हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H6। यही पाई बॉन्ड्स आपस में जब साइक्लिक रेजोनेंस करते हैं तो इस बेंजीन रिंग को हम ऐसे लिखते हैं, यानी इसके और इसके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा C6H6। ठीक है, ऐसे ही चाहे तो इसको हम बॉन्ड्स में तोड़ सकते हैं, इसको हटा के आप तीन बॉन्ड लगा दीजिए, इसको हटा के भी हम तीन बॉन्ड्स लगा सकते हैं, जिसमें एक ये कॉमन हो जाए, दो तीन हो गया, इसको हटा के भी तीन बॉन्ड्स होने चाहिए, तो एक के कॉमन हो गया, दो तीन हो सकता है। आप अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मैं से लिख सकता हूं C14। H कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैं हर जगह एक ही से लगा रहा हूं, क्योंकि एक दो तीन बॉन्ड बनाया है, यहां पे भी एक दो तीन बॉन्ड बनाया, तो हर बार, अब यहां पे नहीं लिखे हैं क्योंकि यहां चार बॉन्ड है, यहां भी नहीं लिखे हैं, सॉरी यहां चार बॉन्ड, 1, 2, 3, 4, ऐसे यहां 1, 2, 3, 4, यहां नहीं लिखेंगे, यहां H, यहां भी चार बॉन्ड है एक, अच्छा यहां पे भी नहीं लगेगा, ये चार बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4, इस पे 1 डबल बॉन्ड 2, 3, 4, यहां भी लगेगा, यहां H लगा सकते हैं, यहां H लगा सकते हैं, तो मैं देख सकता हूं यहां H कहां कहां लग सकता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C14H10। इसको एंथ्रासीन कहते हैं, ठीक है, इट इज कॉल्ड एंथ्रासीन कहा जाता है, ठीक है, एंथ्रासीन कहते हैं। तो मैंने यहां पे आपको है ना डिमॉन्स्ट्रेट किया कि कैसे है ना फॉर्मूले को है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड के केसेस में है ना कैसे हम बोर्ड लाइन फॉर्मूले से फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, बोर्ड लाइन नोटेशन से फॉर्मूला लिखते हैं। तो एक और टॉपिक हम लोगों ने खत्म कर लिया यहां पर, अब बात चली है तो लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का, उसे भी देख लेते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट किसे कहते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट किसे कहते हैं देखते हैं। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक ऐसा पैरामीटर है जिसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखकर बहुत कुछ उस मॉलिक्यूल के बारे में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या DBE, ठीक है, DBE कहा जाता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को ना हम एक और नाम से पुकारते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कह सकते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या DU भी कहा जा सकता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसको एक और नाम से पुकारते हैं है ना, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी इंडेक्स भी कहा जा सकता है, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, HDI। ठीक है, ये तीनों वर्ड है ना एक एक करके यूज करते हैं हम लोग। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, देखिए मैं बताता हूं, अगर कोई एक फॉर्मूला है CaHbNCODXe, आमतौर पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हैलोजन ही मिलते हैं, अगर इसके जगह पर आपको अगर मान लीजिए फास्फोरस मिलता है तो आप नाइट्रोजन के साथ जोड़ देंगे कि वो भी ट्राइवेलेंट होता है, ये भी ट्राइवेलेंट है, और अगर सल्फर मिलेगा तो ऑक्सीजन के साथ ही हम समझ लेंगे उसको क्योंकि वो डाइवेलेंट होता है, पर आमतौर पर सल्फर और ना फास्फोरस के मिलने की संभावना कम रहती है, अगर मिलता है तो उसे डाइवेलेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो कार्बन मोनोवेलेंट एटम, कार्बन हाइड्रोजन हमेशा ऐसे फिक्स रहेंगे, ट्राइवेलेंट डाइवेलेंट मोनोवेलेंट एटम्स ऐसे लिए जाते हैं। ठीक है, अब जितना भी डीबी कैसे निकलता है, डीबीई या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो है या जिसको DU कहते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कैसे निकलता है, A+1-B हाइड्रोजन प्लस E-C/2 ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, B+E यानी जो दोनों जो मोनोवेलेंट्स हैं उनको जोड़ दिया, माइनस ट्राइवेलेंट घटा दिया, डाइवेलेंट को छोड़ देते हैं किसी काम का नहीं। ठीक है, A+1, तो कार्बन प्लस वन माइनस B+E-C/2, ठीक है, इसको हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कह सकते हैं। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताता क्या है इसको भी समझा जाए, अगर किसी भी मॉलिक्यूल का DBE 1 आ गया, ठीक है ना, 1 आ जाता है तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर DBE 1 है, DBE 0 है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन भी होगा और
सैचुरेटेड भी होगा, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल होगा। सैचुरेटेड मींस उसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। तो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल होगा और स्ट्रेट चेन होगा, ठीक है। अगर डीबीई जीरो आ जाता है, अगर डीबीई वन आता है, ठीक है, अगर किसी कंपाउंड का डीबीई वन आ जाता है, डीबीई वन आता है, तो इसका मतलब या तो उसमें एक पाई बॉन्ड होगा, वन पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो डबल बॉन्ड हो गया, या वन रिंग, ठीक है, उसमें एक रिंग होगा, ठीक है। अगर डीबीई टू आता है, डीबीई टू हो जाता है, तो इसका मतलब दो पाई बॉन्ड होंगे उसमें। अब दो पाई बॉन्ड दो तरीके से होते हैं, या तो दो डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो। आपको मालूम है कि एक एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, जबकि एक ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं, दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो या तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर एक एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड हो तो उसे हम डीबी टू कहेंगे, या फिर दो रिंग हो, दो साइक्लिक कंपाउंड्स हो, या एक पाई बॉन्ड और एक रिंग हो, तो डीबी टू हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही डीबी थ्री क्या हो जाएगा, अगर आपको कहीं भी डीबी थ्री मिलता है, तो इसका मतलब हो जाएगा तीन पाई बॉन्ड्स, चाहे जैसे भी हो, या दो पाई बॉन्ड एक रिंग प्लस दो पाई बॉन्ड और एक रिंग, या एक पाई बॉन्ड दो रिंग, या तीन रिंग होंगे। डीबी चार या उससे ज्यादा हो, डीबी चार या उससे ज्यादा हो तो बेंजीन रिंग की संभावना होती है ना, बेंजीन जो है रिंग की प्रोबेबिलिटी, रिंग इज प्रोबेबल, प्रोबेबल, ठीक है, बेंजीन रिंग जो है बनने की संभावना होगी। तो अब हम लोग जो है ना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट देखकर बता सकेंगे कि अगर किसी का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जीरो आता है तो मतलब वो स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है, अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वन आता है तो उसमें एक पाई बॉन्ड होगा या एक रिंग होगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर टू आता है तो दो पाई बॉन्ड या दो रिंग या एक पाई बॉन्ड एक रिंग, और इसी तरह से आगे चीजें चली जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमारे पास एक नई टेक्निक आ गई जिससे हम मॉलिक्यूल के बारे में है ना बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकेंगे। तो इनको कैसे प्रिडिक्ट करते हैं वो तो बाद की बात है, आइए पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना सीखते हैं। तो मेरे पास लगभग 15 क्वेश्चंस हैं जिसे मैं आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के ऊपर है ना, मेरे पास 15 क्वेश्चंस हैं, आइए इनको करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन यही है कि आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कैलकुलेट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, कैलकुलेट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, कहां कहां कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चंस हैं हमारे पास क्या, पहला C5H12, ठीक है, फर्स्ट C5H12, सेकेंड C5H10, थर्ड C5H8, फोर्थ C6H6। मैं व्यूवर्स को बताऊं कि यहां मैं डीबी या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का एप्लीकेशन नहीं बता रहा हूं, अभी सिर्फ मैंने यह बताया कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट किसको कहते हैं और यह कैसे निकलता है। इसका एप्लीकेशन आगे आइसोमरिज्म में जरूर आएगा है ना, जहां पे हम मॉलिक्यूल्स का जब स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर रहे होंगे तो वहां पे हमें डीबी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यहां पे मेयर मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ कैलकुलेशन सीख जाएं कि हाउ डू यू कैलकुलेट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को, यह हमें सीखना है, ठीक है। तो ये सेवेंथ क्वेश्चन हो गया। एट्थ क्वेश्चन है ये एट्थ क्वेश्चन हो जाएगा, एट्थ नाइन्थ टेंथ
इलेवेंथ, ट्वेल्थ, इक्यूबेन है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका डीबी निकाल, इसका फॉर्मूला निकलवाया था। तो ठीक है, इतने 12 क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद फिर आगे के क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद ही मेरे पास चार पांच क्वेश्चंस और बच जाते हैं, लेकिन फिलहाल इनको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि डीबी का फॉर्मूला क्या होता है, सी ए एच बी एन सी ओ डी एक्स ई है ना, तो डीबी कितना हो जाता है, डीबी हो जाता है ए प्लस वन माइनस माइनस फिफ्थ कहते हैं बी प्लस ई माइनस सी बाय टू। ठीक है, ये डीबी का फॉर्मूला हो जाता है। तो डीबी कितना हो जाएगा, डीबीई इज इक्वल्स टू फाइव प्लस वन सिक्स माइनस ट्वेल्व। हाइड्रोजन ट्वेल्व है, हेलोजन है नहीं, और नाइट्रोजन भी नहीं है, जीरो बाय टू। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, सिक्स माइनस सिक्स दैट इज जीरो। ठीक है, जीरो हो जाएगा। अब यहां पे कैसे डीबी आ जाएगा, डीबीई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन प्लस वन माइनस टेन प्लस जीरो माइनस जीरो बाई टू। ठीक है, ये आ जाएगा वन, डीबीई वन आ गया यहां पे। अब मैं ये जीरो जीरो नहीं करने वाला, जो होंगे उनको लीजिए, जो नहीं है उनके जगह जीरो एज्यूम कर लीजिए। तो हो जाएगा फाइव प्लस वन सिक्स माइनस एट बाई टू, दैट इज सिक्स माइनस फोर, डीबी दो आ जाएगा। तो इस कंपाउंड में कह सकते हैं कि दो पाई बॉन्ड हो सकते हैं या दो रिंग हो सकता है, एक पाई बॉन्ड एक रिंग हो सकता है। सी सिक्स एच सिक्स, डीबी कितना आ जाएगा, डीबी आ जाएगा सिक्स प्लस वन माइनस सिक्स बाई टू, दैट इज सेवन माइनस थ्री, दैट इज फोर। तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा, इसका आंसर वन, थर्ड क्वेश्चन का टू, और इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। यहां पे दो दो पाई दो रिंग है। ठीक है, अब देखिए यहां पे कई बार आप बिना है ना फॉर्मूला लिखे भी कर सकते हैं इसको। एक तरीका तो यही हो सकता है कि कार्बन गिन लीजिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस। सी टेन एच, एच कितना है, दो दो चार दो छह दो आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह एच एटीन। ऐसे डीबी निकालेंगे तो डीबी आ जाएगा है ना टेन प्लस वन माइनस 18 बाई टू, यानी 11 माइनस 9 टू आ गया। लेकिन डीबी आप देखकर भी बता सकते हैं, तो फॉर्मूले से बताने तो बता ही सकते हैं, आप देखकर भी इसका डीबी दो बता सकते हैं क्योंकि इसमें दो रिंग है, तो इसका डीबी दो हो जाएगा। आप यहां देख सकते हैं एक रिंग है और एक पाई बॉन्ड है, इसका भी डीबीई दो हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इसको ढंग से लिख लीजिए। तो कई बार आप मेयर ऑब्जर्वेशन से भी है ना डीबी निकाल सकते हैं, यहां कितने पाई बॉन्ड है, एक दो तीन चार पांच पाई बॉन्ड है और दो रिंग है, यानी इसका डीबी जो है वो दो और पांच सेवन हो जाएगा। इसका डीबी कितना होगा, आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके इसके पाई बॉन्ड्स लिखे जाए सारे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसको कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला लिखना सिखाया था। अब आप देख सकते हैं यहां पे एक दो तीन तो रिंग है, तो इसकी डीबी जो है थ्री हो जाएगी, प्लस पाई बॉन्ड कितना होगा, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात पाई बॉन्ड है, तो इसके डीबी टेन हो जाएगा। ठीक है ना, टेन हो जाएगा। ऐसे ही यहां आइए, यहां पर दो रिंग है और दो रिंग है तो डीबी दो होना चाहिए, लेकिन अगर मन में संशय है, क्योंकि कई बार ओवरलैपिंग रिंग्स भी होती है, जैसे एक ये रिंग हो गया, एक ये वाली रिंग हो गई, एक बाहर वाली भी रिंग हो गई, तो सर क्या करें, तीन रिंग दिख रही है। तो अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला निकाल लीजिए, अगर कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन नहीं है तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, छह हो गए सात आठ, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सी एट एच, एच कितना, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह एच फोर्टीन। डीबी कितना आ जाएगा, एट प्लस वन माइनस फोर्टीन बाई टू, नाइन माइनस सेवन, यानी दो आ जाएगा, तो इसका डीबी दो हो जाए। ऐसे यहां देख सकते हैं कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड दो पाई बॉन्ड तीन पाई बॉन्ड चार पाई बॉन्ड पांच पाई बॉन्ड, तो मैं कह सकता हूं इसका डीबी जो है वो फाइव हो जाएगा। ठीक है ना, इसका डीबी फाइव आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही यहां देख लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, क्योंकि इसमें कई सारे कंफ्यूजिंग रिंग्स है, एक दो तीन चार और भी बहुत सारे रिंग दिख रहे हैं, तो आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला सी सिक्स एच सिक्स आएगा, यानी इसकी डीबी जो हो जाएगा वो सिक्स प्लस वन माइनस सिक्स बाई टू, यानी सेवन माइनस थ्री, यानी फोर आ जाएगा। ऐसे ही ये
क्यूबेन है, अभी मैंने क्यूबेन का थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया, सी एट एच एट हो जाएगा, तो अगर आप इसका डीबी निकालेंगे तो यह आ जाएगा 8 + 1 - 8/2 यानी 9 - 4 यानी 5 हो जाएगा इसका डीबी, डीबी 5 आ जाएगा। तो हम लोगों ने लगभग अभी तक 12 क्वेश्चंस देखे हैं डीबी के ऊपर, अभी भी मेरे क्वेश्चंस खत्म नहीं होते हैं, आई हैव सम मोर क्वेश्चंस टू बी सॉल्व, ठीक है, तो आइए उनको भी देखते हैं। इतने क्वेश्चन से जरूर एक अंदाजा लग गया होगा कि कैसे है ना हम लोग डीबी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कैसे डीबी का कैलकुलेशन होता है, ये हम यहां से है ना देख पाते हैं, ठीक है, देख देख लिया हम लोगों ने इतने देर में। फिर भी अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, कुछ छोटी मोटी पॉइंट्स हैं जो उस क्वेश्चंस के जरिए और भी सामने उभर के आएंगे। अब जैसे 12th क्वेश्चन के बाद 13th क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 13th क्वेश्चन ये है, ये एक एनुलिन है, एनुलिन किसे कहते हैं अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, अगर आप अभी भी समझ सकते हैं तो बस इतना कह सकता हूं कि एनुलिन ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक रिंग होती है और अल्टरनेट पेरिफेरी पे पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो 13th क्वेश्चन हो गया, 14th क्वेश्चन है बेंजीन रिंग, इसको स्पाइरेन्स कहते हैं, इस तरह की रिंग्स अगर कहीं पाई जाए तो उसे हम लोग स्पाइरेन्स कहते हैं, ये एक कंपाउंड होगा जिसका हमें डीबी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 15th भी है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 15th ऐसा है, ये 15th क्वेश्चन है मेरे पास, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15th है, इसके अलावा दो क्वेश्चन और है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 16th and 17th, तो इसके अलावा ये 15वें क्वेश्चन के अलावा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th है, विच इज लाइक दिस, सी ओ ओ माइनस, ठीक है, और एक और क्वेश्चन है जो कि क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट है, सी एच थ्री होल फोर एन प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास और भी क्वेश्चंस आ गए। अब यहां पे क्या है, डीबी निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड, चार पाई बॉन्ड, पांच छ सात और आठ, आठ पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, तो मैं कह सकता हूं इसका डीबी जो है 8 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे ही इसकी बात करिए, है ना, एक रिंग है, एक पाई बॉन्ड है, नहीं एक रिंग है, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड, चार पाई बॉन्ड है, तो डीबी अगर मैं निकालने जाऊं तो पाई बॉन्ड्स जो है वो चार हो गए, और रिंग्स की बात की जाए तो एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग, चार रिंग हो जाएगा, यानी टोटल डीबी कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, डीबी 8 आ जाएगा। ऐसे ही ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, जिसका हमें डीबी निकालना है, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है, तो डीबी निकालने आना चाहिए, पहले इनको ठीक कर लिया जाए, इनको मैं पाई बॉन्ड्स इनके लिख देता हूं, ऐसे ऐसे यहां लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब पाई बॉन्ड्स अगर गिने जाए तो कितने पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे 14 तो पाई बॉन्ड्स हैं, एक बार और गिन लूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बिल्कुल 14 पाई बॉन्ड है, और रिंग्स कितनी है, एक रिंग, दो रिंग, ठीक है, एक रिंग है यहां पर, और एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग, ठीक है, तो मुझे लगता है चार रिंग्स हैं यहां पर, तो चार रिंग के वजह से ये चार हो जाएगा, तो टोटल 18 डीबी आ जाएगा इसका। अब ये एक कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है, इसका डीबी निकालना है, तो आइए इसको फॉर्मूला लिखते हैं, कितने कार्बन है, सी एक कार्बन, दो तीन चार पांच छ सात, सात कार्बन है, सी सेवन एच, एच कितने हो जाएंगे, एक एच यहां होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
H11O-। अगर मैं इसका डीबी कैलकुलेट करने जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, 7 + 1 8, ठीक है, 8 - 11/2 यानी 8 - 5.5 यानी ये आ जाएगा 2.5। तो पहली बार मुझे एक चीज समझ में आई कि डीबी कभी कभी फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख लेना चाहता हूं, नोट नोट, डीबीई फर्स्ट पॉइंट, डीबीई कैन बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल एक बात, ठीक है, डीबीई कैन बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल भी डीबीई हो सकता है, ठीक है। और यहां अगर आप फॉर्मूला देखें तो C4H12NCl, अगर इसकी डीबी निकालेंगे तो डीबी होता है नंबर ऑफ कार्बन प्लस वन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस क्लोरी नंबर ऑफ हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाई टू, दिस इज लाइक 5 माइनस, ये कट जाएगा, 12/6 इज 12/2 इज 6, ये ज्यादा -1। तो एक चीज और समझ में आया कि डीबी कैन ऑल्सो बी वॉट, नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है। तो अभी मेरे को समझ में आया कि एक चीज, पहली चीज क्या, डीबी कैन बी फ्रैक्शनल, और दूसरी चीज क्या, दूसरी नोटेबल चीज क्या है कि डीबीई कैन बी नेगेटिव एज वेल, ठीक है। तो डीबी नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस करके हम लोगों को एक चीज तो क्लियर हो गई, ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गई कि डीबी किसे कहते हैं और डीबी का क्या रोल होता है, और हम ये भी पहचान सक लेते हैं कि डीबी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये लेक्चर मेरी समझ से तो समाप्त होता है, लेकिन एक छोटी सी चीज मैं आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं जो कि हमारे आगे है ना इस चैप्टर को पढ़ते वक्त हेल्प करेगा, और वो है कि व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, इसका क्या मतलब होता है, इस चीज को भी है ना समझने की जरूरत है, ठीक है। तो ये एक तरह से मैं कह सकता हूं लास्ट टॉपिक हो जाएगा आज का, अल्फा बीटा गामा कार्बन किसे कहते हैं, इसको भी समझा जाए। तो कभी भी किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, ठीक है, एंड उसके बाद बीटा गामा डेल्टा ऐसे हो जाएगा। तो केमिस्ट्री में ये भी यूज करते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा बीटा गामा कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा बीटा गामा कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, ये चीज भी जाना जाए। अगर मान लीजिए आपके पास एक लंबी कार्बन की चेन है और उससे एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप दो तरह के हो सकते हैं, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हो और एक ऐसा, एक फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन ना हो और एक फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हो, ठीक है, चाहे जैसा भी फंक्शनल ग्रुप हो उसमें कार्बन हो चाहे ना हो, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, और उससे जुड़े हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इससे जुड़ा हाइड्रोजन जो है वो अल्फा हाइड्रोजन हो जाए, ऐसे ही इसको बीटा, इसको गामा, इसको डेल्टा कहते हैं, और इन हाइड्रोजन को इसको बीटा हाइड्रोजन कहेंगे, ऐसे ही इसको बीटा और इसको बीटा हाइड्रोजन कहेंगे, है ना। और बीटा से जुड़े कार्बन को हम लोग गामा कार्बन कहते हैं, और इससे जुड़े हाइड्रोजन को हम लोग गामा गामा हाइड्रोजन कहेंगे, दिस इज ऑल्सो गामा हाइड्रोजन एंड डॉट 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 डॉट, इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा ना पहला एटम जो है वो अल्फा कार्बन कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा, पहला कार्बन नॉट एटम, और उसी फंक्शनल ग्रुप से आगे जुड़े लोग जो है बीटा गामा डेल्टा कहलाते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका नॉमनक्लेचर का तरीका हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेमिंग करते हैं, है ना, नामकरण करते हैं, और इसके ऊपर बेसिकली है ना नेमिंग क्या क्वेश्चंस करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, काउंट काउंट नंबर ऑफ अल्फा बीटा गामा कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा बीटा गामा कार्बन और हाइड्रोजन आपको काउंट करना है इस क्वेश्चन में, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसे है मेरे पास, सिंपल एक क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है, OH और देखिए तीन क्वेश्चन है मेरे पास, अगर आप ये तीन क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप आपको अल्फा बीटा गामा कार्बन समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन है, नाउ आई हैव टू काउंट अल्फा कार्बन, बीटा
बीटा कार्बन, गामा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपको काउंट करना है और है ना पता लगाना है। ये आपका ऐसा, ठीक है, गिनते हैं। अब ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, इससे जुड़ा पहला कार्बन जो है अल्फा है, दिस इज बीटा है, दिस इज गामा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं अल्फा कार्बन इसमें एक है, बीटा कार्बन भी एक है, गामा कार्बन भी एक है। हाइड्रोजन की बात करिए तो यहां पर दो हाइड्रोजन है, यहां दो है, जबकि यहां एक ही हाइड्रोजन है, यहां एच एच दो हाइड्रोजन है। तो मैं कहूंगा अल्फा हाइड्रोजन दो है, बीटा हाइड्रोजन दो है और गामा हाइड्रोजन वन है। ठीक है, ऐसे ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल हो गया। ठीक है, तो आप इसे अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, और बीटा से जुड़े जितने कार्बन है वो गामा हो जाएंगे, ऐसे बीटा से जुड़े जितने कार्बन है वो गामा हो जाएंगे। तो अगर मैं अल्फा गिनूं तो दो अल्फा अल्फा कार्बन है, बीटा गिनूं तो दो बीटा कार्बन है जो अल्फा से जुड़े हैं, और गामा गिनूं तो दो और दो है ना, चार गामा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की गामा कार्बन है। हाइड्रोजन की बात करिए तो इस तरफ एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह गामा हाइड्रोजन है हमारे पास, बारह हाइड्रोजन गामा है। अल्फा हाइड्रोजन कितने, बीटा हाइड्रोजन कितने होंगे, सिर्फ एक यहां और एक यहां एच एच। ठीक है, तो दो बीटा हाइड्रोजन है हमारे यहां पर, दो बीटा हाइड्रोजन है। और अगर आप अल्फा हाइड्रोजन की बात करिए तो यहां पर दो और दो, चार अल्फा हाइड्रोजन यहां पे मौजूद है। तो बहुत हद तक आपको एक आइडिया जरूर लग रहा होगा कि कैसे अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर भी आप आ जाइए, यहां पे भी ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा पहला कार्बन अल्फा होगा, अल्फा से जुड़े सारे कार्बन बीटा होंगे, तो ये भी बीटा कार्बन है क्योंकि अल्फा से जुड़ा है। बीटा से जुड़े जितने कार्बन होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, गामा हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं यहां देख के कि अल्फा कार्बन एक है, बीटा कार्बन तीन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तीन है, और गामा कार्बन जो है वो दो है, दो हो जाएंगे। हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन यहां है नहीं, यहां पर दो हाइड्रोजन है, यहां दो हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहां पे एक हाइड्रोजन है, यानी पांच अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, है ना। गामा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, दो, ठीक है, दो गामा चार, सॉरी, है ना, चार गामा हाइड्रोजन हो जाएंगे, एक दो तीन चार, तो यहां लिख सकता हूं चार गामा हाइड्रोजन हो जाएंगे। अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं है, आई एम सॉरी, ये जीरो हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन जीरो हो जाएगा, और बीटा हाइड्रोजन जो है एक दो तीन चार और पांच, है ना, पांच इसके बीटा हाइड्रोजन यहां पे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन भी निकालना सीख लिया। तो आज इस आइसोमेरिज्म के फर्स्ट लेक्चर में इतना ही, है ना, आशा आपको समझ में आ गया कि कैसे, है ना, नेमिंग की जाती है, नहीं, कैसे कैसे फॉर्मूले लिखे जाते हैं, डीबीई क्या होता है, और वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री फोर डिग्री कार्बन हाइड्रोजन किसे कहते हैं, और वन अल्फा बीटा गामा कार्बन और हाइड्रोजन किसे कहते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि कैसे ट्रिवियल कंपाउंड्स, ट्रिवियल नेमिंग की जाती है कंपाउंड्स की, और उसके बाद फिर हम लोग, है ना, काउंटिंग ऑफ आइसोमर्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।